द्रौपदी जब गई ना भगवान कृष्ण के पास, तो फिर द्रौपदी ने कहा, आपके होते हुए हम कैसे हार गए कान्हा। उस समय कन्हैया की आंखों में आंसू थे जीवन में पहली बार। उनके आंखों में आंसू किस लिए थे पता है? उनका जवाब सुनो। उन्होंने कहा, तुम अपने कारण से, अपने करनी से हारे हो। जिस समय खेल शुरू हुआ, कौरवों ने ऐलान कर दिया था, हमारे तरफ से पाशा शकुनी मामा फेंकेंगे। और जब ये ऐलान हुआ, हमारे तरफ से पाशा शकुनी मामा फेंकेंगे, आपको भी ये ऐलान कर देना चाहिए था, पांडवों की तरफ से पाशा श्री कृष्ण फेंकेंगे। फिर उस समय देखते कौन जीतता कौन हारता। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। राधे राधे। ऐसे व्यक्ति को अपनी बेटी कभी भूल से भी मत करिएगा। हर एक पिता सोचते हैं, बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी का विवाह करूंगा, तो ये करूंगा वो करूंगा। बहुत सारे विचार उसके मन में, एक पिता के मन में आता है। पिता माता पिता सोचते रहते हैं, हमारी बेटी का शादी होगा तो कैसे घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। बहुत ज़्यादा इस विषय पर माता पिता चिंतन करते हैं। लेकिन कभी भूल से भी ऐसे व्यक्ति को अपनी बेटी मत देना। कैसे व्यक्ति? सबसे पहले कहते हैं नशा करने वाला व्यक्ति। अगर आप जिसको अपनी बेटी देते हो, अगर वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, शराब पान करता है, बीड़ी गुटखा ये सब पान करता है, तो आपकी बेटी कभी भी सुखी नहीं रह सकती। क्योंकि जब व्यक्ति शराब पीता है ना, उस समय उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं होता। और ऐसे समय में जो दामाद है आपकी बेटी का निंदा करेगा, अपमान करेगा, उल्टा सीधा बोल देगा, ऐसे घर में ऐसे पति के साथ में कभी भी आपकी बेटी सुखी नहीं रह सकती। इसलिए आप शादी से पहले कन्यादान ऐसे घरों में करिए, ऐसे व्यक्ति को अपनी बेटी दीजिए जिसके अंदर सुंदर गुण हो, अच्छे संस्कार हो। अगर शराबी को अपनी बेटी दोगे तो कन्यादान का फल भी नहीं लगता। कहते हैं कन्यादान सबसे बड़ा दान है, लेकिन ऐसे गलत हाथों में देने से इतना बड़ा फल भी निष्फल हो जाता है। इसलिए कन्यादान से पहले दामाद को बड़े अच्छे से आप देख लीजिएगा। दूसरे नंबर में जो व्यक्ति मर्यादा का पालन नहीं करता हो, ऐसे व्यक्ति को अपनी बेटी कभी भी भूल से भी मत दीजिएगा। ऐसे घर में आपकी कन्या कभी सुखी नहीं रह सकती। तीसरे नंबर में जो व्यक्ति स्वयं के माता पिता का इज्जत नहीं करता, माता पिता को डांटता है, माता पिता का सम्मान नहीं करता, माता पिता को तू में बात करता है, ऐसे व्यक्ति को भी अपनी बेटी कभी मत दीजिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, आपकी बेटी का क्या ही सम्मान करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कन्यादान मत करिए। और जो व्यक्ति देवी देवता पर आस्था नहीं रखता, भगवान के भक्ति से विमुख हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करता, धर्म से विमुख हैं, ऐसे व्यक्ति को भी अपने बेटी का कन्यादान मत करिए। ऐसे घर में जाकर के आपकी पुत्री जो है दिन रात रोएगी, तो आप भी जीवन भर खुश नहीं रह सकते। इसलिए कन्यादान करने से पहले जरूर सोचिएगा कि जो दामाद है वो कैसा है, उसमें कैसे गुण हैं, कैसे संस्कार है, प्यार से बोल दीजिए ना। ऐसा नहीं कि अगर आपके पति बहुत ज़्यादा कमाता है तो ही आप अपने परिवार से प्यार करते हो। अगर आपके पति कमाई नहीं भी करता है, जो आपके परिवार के पास में है, जो वस्तु आपके पति आपको दिला सकता, बस उसी में आप खुश हो जाते हैं। आप जो कुछ भी आपके घर का व्यवस्था है, अवस्था है, उसी पर ढल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो ऐसी नारी अपने परिवार का सदैव हित चाहती है, कल्याण करती है। लक्ष्मी मैया क्या कहती है? अगर तुम अपने
घर में गोपाल जी रखोगे, भगवान नारायण का सेवा करोगे तो उस घर में मैं खुश होकर के आऊंगा। हाँ, लक्ष्मी अगर चाहिए तो ये काम जरूर करिए, आप अपने घर में भगवान नारायण का सेवा करना शुरू कर दीजिए। नारायण के रूप, चाहे राम जी को रखिए चाहे कृष्ण जी को रखिए, जहाँ पर भगवान नारायण का पूजा किया जाता है लक्ष्मी जी वहाँ दौड़ के चली आती है। प्यार से बोलो, पति के आदेश के बिन मायके भी मत जाइए, कहीं भी मत जाइए। और कहा गया जो नारी घर में सभी को सुंदर व्यवहार करती, सबसे बड़े प्रेम से बातचीत करती है, कभी क्रोध नहीं करती, कभी लड़ाई झगड़े नहीं करती, तो ऐसी नारी अपने घर को स्वर्ग समान बनाती है। इसलिए नारियों को चाहिए अपने घर में बड़े प्रेम से रहें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, युद्ध ना करें।